ऐसा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनकी माता जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम ने भी 14 वर्षों का वनवास काटा था और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसी वनवास में देश और धर्म और सनातन की रक्षा के लिए एक युद्ध को भी अंजाम दिया था। तो ये वो परिस्थिति है माता, हम आपके ही बच्चे हैं और देश और धर्म के लिए संघर्ष अब बहुत जरूरी है और उसकी शुरुआत आपके बेटे ने भी की है और ये समय का काल चक्र है जो कभी पलट नहीं सकता। अच्छे अच्छे धुरंधर आए हैं जिन्होंने सनातन के रास्ते में अवरुद्ध पैदा करा, उस अवरुद्ध को पैदा करने वालों को जवाब समय ने बहुत अच्छे से दिया है। मनीष कश्यप, जिस दिन जेल का ताला टूटेगा ना और मनीष कश्यप छूटेगा, मैं खुद कह रहा हूँ कि इनकी राजनीति और इनकी स्वार्थ की नीति का जो किला है वो ढहने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो ढहने का कारण और उसका बीज बोने का कार्य इन्होंने खुद किया है। एक कहावत है कि अपने पैर कुल्हाड़ी खुद मारना, तो इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। एक गरीब के बच्चे को NSA लगाकर देश विरोधी कानून में जेल भिजवाकर, क्योंकि ये स्पष्ट दिखता है कि कैसे चोर चोर मोसेरे भाई एक होकर एक दूसरे की ढाकें और पोत रहे हैं और एक दूसरे के विरोधियों को जेल में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता में आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता की ताकत का आप गलत उपयोग करेंगे। समय है और समय आने पर ऐसी भी जितनी भी आपने गलतियां करी हैं वो बैठा है ईश्वर, वो तुम्हें भी देखेगा और तुम्हारी इन्हीं करनियों का फल यही कालचक्र घूम के वापस आएगा। उस समय मनीष कश्यप कहाँ होगा और तुम कहाँ होगे वो स्पष्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है मनीष कश्यप अब मुख्यमंत्री बन जाएगा बिहार का, तो क्या हो गया, लोकतंत्र में अधिकार है, बन जाएगा। कह तो रही है बिहार सरकार की नेता है, पत्रकार नहीं है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं। अरे कपिल सिब्बल साहब, सत्य कहा कि वो नेता है लेकिन तुम्हारी तरह कहीं से घूस या कुछ लेता नहीं, कि तुम पैसा लेकर, हमने देखा कि राम मंदिर के विरोध में भी खड़े हुए थे, बड़े बड़े आतंकियों के केसों में भी खड़े हुए थे, वो लेता नहीं है, वो केवल गरीब का बेटा है और समय आने पर देगा जवाब तुमको कि कैसे तुमने लिया और तुम्हारे आकाओं ने कैसे कैसे जनता के टैक्स का पैसा, कैसे चारा घोटाले के नाम से लेकर कितने ऐसे घोटालों को कर लिया जिन्हें आज तक सरकारों को बाहर लाने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो सारे कुछ राज बाहर आएगा, जब जब सत्ता बदलती है तब तब सत्ता पे राज करने वालों के राज भी खुलते हैं। और याद रखो, सत्ता पे बैठे लोगों, तुमने मनीष कश्यप को जेल तो भेजा है लेकिन जेल भी है और वही जेल होगी और उसी जेल से बेल लेकर भी जिस दिन आएगा तो याद रखना तुम्हारा पूरा किला हिला दिया जाएगा। क्योंकि कंस ने भी आठवां पुत्र जेल में पैदा हुआ लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बनकर वापस आकर कंस का वध किया तो याद रखना तेज प्रताप, तुम्हारे सपनों में कृष्ण आते हैं लेकिन वो खुद कृष्ण रूपी आएगा और तुम्हारे हिसाब तुम्हारा बराबर करेगा। क्योंकि तुमने अत्याचार किया है, एक सत्य की आवाज़ को रोकने का काम किया है। क्या किया उसने ऐसा, कहीं आतंकी साजिश की है, कहीं देश के अंदर विद्रोह पैदा किया, किसी का क्या किया, सरकारों की नीति को जनता को दिखाया और जनता के माध्यम से तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाने का काम किया, किसने, मनीष कश्यप ने। अरे तुम्हारी सरकारों की नीति ही अगर इतनी अच्छी उज्जवल थी तो तुमको स्वीकार करना चाहिए था कि ये सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, यही तो दिखा रहे थे कौन, मनीष कश्यप, और उसी में पूरी सड़क और सड़क के गड्ढे में पूरी सरकार हिल गई। अरे रोज उस गड्ढों से निकल के जाने वालों, याद रखना उसी गड्ढे में सरकार भी तुम्हारी जाएगी और उस पर मिट्टी गेरने का काम केवल अगर कोई करेगा तो बिहार की जनता करेगी और उसकी अगुवाई मनीष कश्यप करेंगे। एक समय ऐसा भी था कि भारत की न्याय प्रणाली माननीय सुप्रीम कोर्ट रात में आतंकियों के लिए भी खुलते देखी है हमारे देश ने। अगर आज एक गरीब का बच्चा गलत झूठे केस के अंदर फंसा के NSA में जेल भेजने का काम किया तो हमने देखा है कि अभी सरकारें बदली हैं हिंदुओं तुमने, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग आज भी मौजूद हैं
इंतजार करो, सिस्टम को बदलना है तो पता ना कितने मनीष कश्यप जैसे बेटे अभी जेलों में हैं, उन सबको बाहर आने दो, उसके बाद सरकार भी बदलेगी फिर से और सिस्टम भी बदलेगा। क्योंकि जब तक सिस्टम में सहभागिता मेरे भाइयों अपने बच्चों की नहीं कराओगे तो सिस्टम में परिवर्तन कभी नहीं आएगा। परिवर्तन कराना है और ऐसी जितनी भी याचिकाएं हमारे गरीब और हमारे सनातन राष्ट्र के हित में उठाने वाले आवाजों को सुनने से इनकार अगर कोई करता है तो सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों को सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य भी तुमको करना है। क्योंकि आज बच्चों ने ठाना है कि सिस्टम से लड़ रहे हैं, अरे हम सिस्टम से लड़ते रहेंगे और सिस्टम को बदलने के लिए अपने बच्चों को सिस्टम में भेजने का भी काम करेंगे और उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम लोग सरकारों को बदलने का भी कार्य वोट की ताकत से करेंगे। क्योंकि ये लोग जब बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री हो सकते हैं और ऐसे शिक्षा मंत्रियों के शिक्षा का ज्ञान कितना होगा वो बिहार की जनता ने भी देखा और सबने देखा, बाकी के हिस्सों के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब बिहार की बारी है, क्योंकि बिहार को हिंदू राष्ट्र संकल्प के साथ बाबा के साथ और मनीष की अगुवाई में आगे बढ़ाया जाएगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। नेता तो बहुत देखे, अब देखो बिहार का बेटा, कहते हैं ना सन ऑफ बिहार, कौन? मनीष कश्यप। तुम नेता बन बन के लोगों से मिलते रहे, वो बेटा बन बन कर तुम्हारी दलाली और तुम्हारी नीतियों की पोल खोलता रहा। तुमको पेट में दर्द इसीलिए तो हुआ जो आज वो जेल में है। ज़्यादा जेल तक जेल में रख नहीं पाओगे, सत्ता के गलियारे से तुम जुल्मी जितना जुल्म उठा सको उठा लो, वो एक दिन बाहर आएगा और तुम सबको जवाब जनता के साथ में देगा। क्योंकि जनता तैयार खड़ी है, वो देख रही है सही क्या है गलत क्या है, सत्य असत्य को पहचानती है। क्योंकि आज के समय में सभी पढ़े लिखे हैं लेकिन तुम अशिक्षित हो।